पिछले लेक्चर में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे थे और रिजल्ट को याद रखो और रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करना है कैसे क्या उस पर ध्यान दें। हम आज प्रॉब्लम को तत्काल रोकते हैं फिर और एक नए टॉपिक पर ले चल रहे हैं बच्चों, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ बोला जाए। तो गॉस लॉ के लिए हम कल पिछले लेक्चर में के लास्ट में थोड़ा सा बात कर रहे थे, है ना, कि पांच पॉइंट होगा। सबसे पहला पॉइंट बोले एरिया और एरिया एलिमेंट, दूसरा बोला सॉलिड एंगल, तीसरा बोला मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिससे भरल देखे, लाइन चार्ज के कारण देखे, सर्कुलर डिस्क रिंग सब देखे, और अब ही हम एक पॉइंट चार्ज का केस सिर्फ बोले। और फोर्थ बोले सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिफ्थ जो लास्ट हम लोग का जो टॉपिक है अभी गॉस लॉ, वो फिफ्थ पॉइंट होगा गॉस लॉ। तो ये पांच मैं बोलूँगा फाइव स्टार वाला बात करेंगे गॉस लॉ में। तो गॉस लॉ का स्टार्टिंग करने चले हैं, जिसमें सबसे पहला चीज़ एरिया एलिमेंट, और आपके कंसेप्ट में होना चाहिए। सामान्य तौर पर हम लोग लार्ज एरिया को स्केलर मान लेते हैं। वास्तविकता क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एलिमेंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। एरिया एलिमेंट बोले तो छोटा टुकड़ा, एरिया का छोटा छोटा सेगमेंट बोल के। तो एरिया और एरिया एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में अब उसका पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। अब देखो अगर एरिया एक्स वाई प्लेन में है, कोई डिस्क कोई लेमिना एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका डायरेक्शन जो होगा वह नॉर्मली आउटवर्ड। अब जिस फेस के लिए मैं हथेली को दिखा रहा हूँ, अगर इस फेस की बात करेंगे और इधर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस साइड से, तो नॉर्मली आउटवर्ड, इधर से ऑब्जर्व करूँगा तो नॉर्मली आउटवर्ड, यह एक तरह से ओपन सरफेस कहलाएगा। ओपन सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड जिधर लेंगे, और एक होगा क्लोज सरफेस, स्फीयर सिलेंड्रिकल सिलेंडर वाला शेप वाला बॉडी इस तरह, तो उसमें एरिया जिस पॉइंट पर लेंगे वह नॉर्मली आउटवर्ड बोला जाएगा। तो एरिया में सबसे पार्टिकुलर बात हो गया कि एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी और हुज डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड। क्लोज सरफेस में नॉर्मली आउटवर्ड बोला जाएगा, और इस केस में भी आउटवर्ड ही बोला जाएगा नॉर्मली आउटवर्ड, लेकिन अब वो फेस किधर से हम लोग देख रहे हैं उस पर, ऑब्जर्वेशन के केस ऑब्जर्वेशन किधर से कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। और एरिया निकालना क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से सीखे हुए हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, पैरेललोग्राम का दो साइड्स ए और बी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते थे हाफ ए क्रॉस बी वाला बात बोलते थे, ए क्रॉस बी बोला जाता था। और उसका डायरेक्शन जो होता था उस पैरेललोग्राम के प्लेन पर नॉर्मली आउटवर्ड बोलते थे, एंटी क्लॉकवाइज लेते थे तो नॉर्मली आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज लेते थे तो नॉर्मली इनवर्ड बोलते थे। वो दिखाते हैं, हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम अभी केवल मौखिक रूप से कुछ कुछ बोल गए, हम आपको सिस्टम में समझाने जा रहे हैं। गॉस लॉ के लिए हम लोग को क्या है, पाँच पॉइंट की बात करनी है, पाँचवा पॉइंट ही गॉस लॉ होगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं बोला एरिया एलिमेंट और एरिया लिखने के लिए डी ए वैक्टर लिखा जाए, डेल ए वैक्टर बोलेंगे और ए वैक्टर बोला जाए। लार्ज एरिया स्मॉल एरिया एकदम छोटा एरिया तो डी ए वैक्टर, एरिया और एरिया एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। हुज डायरेक्शन इज नॉर्मली
outward drawn from the center of area element. सेंटर ना बोलकर भी क्या है, सीधे एरिया एलिमेंट का नॉर्मली आउटवर्ड, एरिया एलिमेंट और एरिया. इफ एरिया एलिमेंट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, then direction of area element dA vector is along plus x axis or along minus x axis. या ओपन सरफेस के लिए बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो डी ए वेक्टर लिखाएगा बच्चों, दैट इज डी ए वेक्टर बराबर आई इंटू क्या चीज़ डी ए और माइनस आई इंटू डी ए फॉर ओपन सरफेस. ये क्या बोल गए हैं, है ना. सॉरी एक्स वाई प्लेन में, सॉरी एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मली इज अलोंग प्लस जेड एक्सिस और अलोंग माइनस जेड एक्सिस. और यहाँ क्या लिखाएगा तो के वेक्टर, के कैप संशोधित कर. हाँ, अगर वाई जेड तल में होता तब वो पहले वाला आई कैप वाला बात लगाते. ये थोड़ी छोटी सी बात है. एरिया एलिमेंट को बार बार बोलना है. मैं बोलता हूँ, पहले इसको थोड़ा जगह दे दे. एरिया है या स्क्वायर है, इसका साइड ए, इसका साइड मतलब स्क्वायर का साइड ए, या मेरा बच्चा एक्स एक्सिस है, मेरा बच्चा यह वाई एक्सिस है. तो हेयर एरिया वेक्टर ऑफ गिवन स्क्वायर सेट डिस्क जो भी हो, ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, आई इंटू ए क्रॉस जे इंटू ए. आई क्रॉस जे बराबर के, एरिया तो हम जानते हैं स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होगा बच्चों. और आई क्रॉस जे बराबर के बोलेंगे, या कहाँ से लिख दिया आई क्रॉस जे वाला, ये इस तरह का. तो वेक्टर प्रोडक्ट में था, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लेते थे, स्पेशल पैरेललोग्राम कहीं स्पेशल केस यहाँ स्क्वायर का एरिया का बात कर लिए. तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट को मिलाते चलें, आगे बढ़ाते चलें. एरिया ये इस तरह का चीज़ सीखें. अभी और दिखाते हैं, यह एक्स वाई प्लेन में है या डिस्क और प्लेन, तो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, है ना. बोलिए प्लस जेड एक्सिस के अलाउ, अब प्लस जेड बोले तो के, या दिस मच आई क्रॉस जे बराबर के. फिर से मैं बार बार आई क्रॉस जे और इस तरह राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल आपको दिखाया हुआ है. सबका इम्प्लीमेंटेशन होगा इस टॉपिक में. तो देखते चलिए, या हम अभी छोटा सा पॉइंट बताए हैं कि एक्स वाई प्लेन में स्क्वायर है तो रेक्टेंगल होता, या साइड ए होता या बी होता, तो ए आई और क्रॉस जे इंटू बी लिखते और उसका वैल्यू के इंटू ए बी होता, के इंटू ए बी. रेक्टेंगल का एरिया पता है लेंथ इंटू, सर्कुलर नुमा डिस्क होता और एक्स वाई प्लेन में होता, रेडियस आर होता तो पाई आर स्क्वायर और के कैप लगाते हम लोग. तो इस तरह की बातों को आप ध्यान से ध्यान, पहले तो आप एक पॉइंट समझ में आया कि एरिया एलिमेंट और एरिया इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना. शुरुआती दौर में बताया जाता है मैक्रोस्कोपिक एरिया इज टेकन एज स्केलर, और माइक्रोस्कोपिक एरिया या एरिया का सेगमेंट जो होगा वह वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन ऑन दी होल यहाँ पर क्या बोलना है, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड. तो ये चीज़ देखना. आगे और मैं बताता हूँ, दो तीन उदाहरण बता देता हूँ. एरिया को भी पहले मैं समझाने का कोशिश करता हूँ.
सर्किल है एक्स वाई प्लेन में ले लिए और इसका रेडियस क्या चीज़ आर, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एंड ए वेक्टर इज गिवन एज, यह एक्स वाई प्लेन में है तो प्लस के, अगर तो यहाँ के इंटू क्या चीज़ ए के कैप इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, या प्लस के अगर, या इस तरह से अगर दूसरे साइड की बात कर लेते तो क्या होता, वह माइनस के तरह माइनस के लिखा जाएगा कैप। तो यह सिर्फ ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं, और क्लोज सरफेस पर जैसे हम लोग क्या लिए, स्फीयर बना दिए, थ्री डायमेंशन की बात कर ली, और इस पर छोटा सेगमेंट लेंगे और यहाँ क्या है सेंटर है, या जो आप सारे बच्चे जानते हैं रेडियस और टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू इच अदर, सेंटर से ये रेडियस जो होगा ना, ये जो रेडियस इस पॉइंट पर के लिए जो हम सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाएंगे, या जो हो गया लाइन हुआ नॉर्मल होगा इस पॉइंट के लिए, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट इसके अराउंड खींच रहे हैं इस पॉइंट पी पर, तो पी पर एरिया का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। यहाँ पर ले लेंगे पॉइंट तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, सब जगह एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड लेंगे, तो इस तरह से बोला जाएगा। तो यहाँ लेकिन यह छोटा एरिया एलिमेंट सिर्फ एक सेगमेंट ओपन सरफेस ले लिए हैं सर्कल वाला, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो इस गोले का सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर होगा, तो पूरा एरिया हो गया फोर पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन सब जगह क्या होगा, अलग अलग लिया जाता है, इस नॉर्मली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बोला जाएगा। यहाँ पॉइंट चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, अगर प्लस चार्ज है तो, और माइनस चार्ज लेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से बात को समझना है कि एरिया एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड, तो नॉर्मली क्लोज सरफेस में तो ऑलवेज क्या बोलेंगे, आउटवर्ड ही बोलते हैं, और इस केस में भी आउटवर्ड ही है, लेकिन कहीं कहीं लगेगा क्या इनवर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरह से बात करेंगे। तो ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, हम लोग जो गॉस लॉ पढ़ने जाएंगे वह गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, तो इस तरह की बात हम लोग करेंगे। अभी छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक देख लो इस तरह का एक डब्बा है छोटा सा, अब यहाँ पर ही सेवरल फेसेस काउंटेबल है, इस केस में फेस काउंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः फेस है, तो अब इसके लिए ये एरिया अलग डायरेक्शन होगा, इसके लिए एरिया का डायरेक्शन अलग होगा, एरिया डायरेक्शन किधर, एक्चुअली यह क्लोज सरफेस है, लेकिन इस सरफेस के लिए एरिया नॉर्मली आउटवर्ड, इस सरफेस के लिए नॉर्मली आउटवर्ड, इसके लिए नॉर्मली आउटवर्ड, इसके लिए नॉर्मली आउटवर्ड, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यार, है ना, तो एरिया इज़ नॉर्मली आउटवर्ड। अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप वाला बॉडी हो तो उस पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। मेरे सामने में अभी ग्लास और बोतल है, मैं उसको देख कर बताता हूँ आपको, है ना, और यह बोतल है, अब इसका डायरेक्शन मैं बोलूँ, इस पॉइंट पर डायरेक्शन बोलूँ तो आउटवर्ड, इस पर बोलूँ तो आउटवर्ड, इस बॉटम पर बोलूँ तो आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस तरह कर, है ना, मेरे इस नाक के बात पर करो तो एरिया का डायरेक्शन इस तरह। एक छोटी सी बात को मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि एरिया एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया का मैग्नीट्यूड निकालने सारे बच्चे को आता है, डिफरेंट शेप का एरिया जितना भी जानते हैं सर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन उसका समझना है। तो डायरेक्शन मैं समझाने का कोशिश किया छोटा छोटा, पॉइंट क्या चीज़, एक्स वाई प्लेन में, या लेमिना किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तो प्लस के वाला बात होगा, या प्लस डायरेक्शन, तो इस तरह की बात सीखेंगे थोड़ा सा एरिया का डायरेक्शन। हम लोग एक रेक्टेंगल, सॉरी एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, यह साइड ए यह साइड बी, और इस तरह कंप्लीट करते हो, अब यह तुम्हारा को जो भी डायरेक्शन हो, यह तुम्हारा यह एंगल थीटा है, इस हाइट को हम लोग बी साइन थीटा लेते हैं, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी सी डी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखे पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर मैग्नीट्यूड बोले तो क्या होगा, ए इंटू बी साइन थीटा बेस इंटू क्या चीज़ हाइट, तो यह
इसको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोला जाए। अब यह डायरेक्शन बोलेंगे तो इस केस में ए क्रॉस बी इन दिस फिगर ए क्रॉस बी इज नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है दो वेक्टर का, है ना। तो इन ए क्रॉस बी इज नॉर्मली, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हेयर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इस तरह से बोलिए नॉर्मली आउटवर्ड। अगर यह एक्स वाई प्लेन में है तो क्या होगा, के वाला डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन है, यह थोड़ा सा क्लियर करना है, इस फेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, पॉजिटिव ले लेंगे हम लोग। तो अब बहुत सारा तरीका है एरिया को समझाने का, मैं और कोशिश करता हूँ एक छोटा सा पॉइंट लेकर। यह एक्स, यह वाई और यह जेड, यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, ये सब साइड है, यह छोटा सा एंगल 37 डिग्री है। अब बच्चों यह एक्स वाई प्लेन में और यह क्या है, जेड एक्सिस क्या लॉन्ग है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इस स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड, तो नॉर्मली आउटवर्ड बोले ए बी सी डी, तो इसका डायरेक्शन जो होगा एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर ऑफ स्क्वायर प्लेट ए बी सी डी बराबर हाउ मच, ए बी क्रॉस ए डी क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस ए बी को लिखने का तरीका क्या है, या साइड ए या 37। अब इसका एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स जो पॉइंट होगा वह ए कॉस 37, ए का वैल्यू लिख ले 5 मीटर, तो ए की इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस 37 एक्स वाला, कॉस 37 आपको रटा हुआ है 4 बाई 5, 5 कैंसिल होगा तो 4 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ए साइन 37, 5 साइन 37, साइन 37 3y5 वाला, तो 3। और जेड एक्स वाई प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो हमारा यहाँ पर इस फिगर में, इन गिवन फिगर, ध्यान देना भाई, ए बी वेक्टर बराबर आई इंटू 4 प्लस जे इंटू 3, के वाला कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 0। एंड ए डी वेक्टर बराबर ए बराबर 5 मीटर, तो यहाँ भी 5, तो 5k, ये मीटर में, ये भी मीटर में। अभी एरिया की बात करें, चलो एरिया वेक्टर ऑफ स्क्वायर प्लेट ए बी सी डी, ध्यान देना बच्चों, कितना होगा बच्चों, आई इंटू 4
प्लस जे इंटू थ्री प्लस के इंटू जीरो लिखा जा सकता है, प्लस के इंटू क्या चीज़ के कैप इंटू जीरो और के क्रॉस क्या चीज़ के इंटू फाइव आई क्रॉस के बराबर। तुम लोग को ये चीज आना चाहिए सारे बच्चे को, आई अगर जे लिख दिए तो जे और यह क्या होगा के, आई जे के यूनिट वेक्टर था बच्चों एलॉन्ग एक्स वाई और जेड एक्स एक्स। इस फिगर में तो लग रहा है या ई जेड या वाई है अगर हम इसको लेते थे, लेकिन हम इसको आई जे के मान लिए हैं एक्स वाई और क्या चीज़ जेड। तो इस तरह एंटी क्लॉक वाइज वाले में पॉजिटिव आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे, और क्लॉक वाइज चले तो निगेटिव, ये क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है सारे बच्चे। तो हम क्या बोल रहे हैं, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, हाउ मच फोर इंटू फाइव तो ट्वेंटी, फिर जे क्रॉस के आई आई कितना बच्चों 15 और जीरो तो जीरो हो गया। इसको लिखने का मीटर स्क्वायर होगा एरिया, 15 आई, आई पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 जे इंटू मीटर स्क्वायर, एरिया वेक्टर को आई जे में लिखना। अब फ्लक्स निकालने में ज़रूरत पड़ेगा इस तरह का चीज़ को कि एरिया को कैसे हम लोग आई जे के में व्यक्त करते हैं यूनिट वेक्टर के टर्म। तो ये छोटा सा सवाल सब था एरिया वेक्टर को समझाने का कोशिश की है ना। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैं बोला नॉर्मली आउटवर्ड, मैं अपने फेस की ओर दिखा रहा हूँ, यहाँ एरिया बोले तो बस एरिया बोले तो दिस डाउन यहाँ हो गया, यह आउटवर्ड बोलेगा। लेकिन इसके केस में हम लोगों के लिए अपवर्ड ही होगा, ये डाउनवर्ड होगा, लेकिन जिस फेस के लिए सोच रहे हैं उस फेस से आउटवर्ड बोला जाएगा है ना। इधर सोचे तो इधर, इधर सोचे तो इस डायरेक्शन में, इस पर सोचे तो इस डायरेक्शन। तो एरिया एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड, यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशन एल स्क्वायर बोल रहे हैं, आपको आता है सब लिखते रहेंगे। यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया को समझाने का कोशिश की बस हो गया। एरिया आता है बच्चों केवल वेक्टर है, उसका डायरेक्शन को बताना मेरा मूल काम था, मैं थोड़ा थोड़ा समझा पाया तो समझा पाया, आगे और भी इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे जैसे तो और बढ़ते चले जाएंगे, और डायरेक्शन सब हर जगह आना है इसका डायरेक्शन इस गॉस लॉ में। एरिया इज नॉर्मली आउटवर्ड वाला बार बार बोलते चले जाते हैं और याद हो गया आपको कि एरिया इज नॉर्मली आउटवर्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारा वाइजर तल में क्या है, कोई डिस है कोई चेन है, तो उसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो प्लस आई या माइनस आई बोले वो तो आप किधर से ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो जनरली क्या होगा वाइजर प्लेन वाला जिस वाइजेड प्लेन में जो एरिया होगा उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आई कैप या माइनस आई कैप, इस तरह की बात हो गया। दूसरा टर्म समझा रहा है सॉलिड एंगल, मेजरमेंट में पढ़े हैं सॉलिड एंगल की बात है ना, इसको छोटे एरिया के द्वारा जो एंगल बनेगा उसको डी ओमेगा, और छोटा इसको इस तरह से डेल ओमेगा, और ओमेगा पूरे टोटल सॉलिड एंगल या सॉलिड एंगल। मैं बताऊँ सिंपल भाषा में, एक लाइन के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाए जाएंगे तो रेडियन प्लेन एंगल बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट रेडियन बोला जाता है। और अगर सर्किल की बात करें, सर्किल का आर्क का मैग्नीट्यूड, सर्किल का आर्क का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाए, और वह सेंटर सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा वह आर्क जिसका लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो वह एंगल ऑफ वन रेडियन कहलाएगा, एंगल ऑफ वन रेडियन प्लेन एंगल। हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते हैं, तो सॉलिड एंगल में बोलते हैं बच्चों एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को सॉलिड एंगल बोला जाएगा। तो एंगल सबटेंडेड बाई एरिया एलिमेंट और एरिया एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल कैसे क्या है,
एंगल सस्पेंडेड बाय एरिया एलिमेंट और एरिया एट ए पॉइंट और अराउंड ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का सिंपल परिभाषा बोले एरिया बाय डिस्टेंसेस, एरिया बाय डिस्टेंसेस। मेरा बच्चा यह एक छोटा सा एरिया लिए या पॉइंट्स ले रहे हैं, यह एरिया का डायरेक्शन इस फेस इस डायरेक्शन में होगा, इसको वी ए वेक्टर, या आर डिस्टेंस है या ओ पर ई पॉइंट के चारों छोटा एरिया दिया है, तो ऊपर सॉलिड एंगल जो बना, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ओ बाय एरिया एलिमेंट डी ए इज गिवन एज डी ओमेगा। इस छोटे से एंगल को डी ओमेगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। अगर इस तरह से एरिया हो जाए, एरिया का डायरेक्शन नॉर्मली आउट हुआ डी ए और यह पॉइंट है, ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है वह डी ओमेगा है और यह ओ पी वेक्टर आर वेक्टर है, इसके बीच का एंगल अगर क्या है या एरिया क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया, पहले एरिया इस तरह से था अब एरिया इस तरह हो गया, पॉइंट उसी है उसी जगह है, तो क्या हो गया या दोनों के बीच इंक्लिनेशन हो गया कितना थीटा है, तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ओ बाय एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर अराउंड पी डी ए वेक्टर से लेकर इज गिवन एज डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाय थीटा बाय आर स्क्वायर टोटल अराउंड ए पॉइंट टोटल सॉलिड एंगल अराउंड ए पॉइंट बाय एनी क्लोज सरफेस डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, पूरे एरिया के लिए या क्लोज सरफेस के लिए यह बोल रहा है, यह सर्कल जो लगा है इंटीग्रेशन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यह कितने के बराबर, फोर पाई स्टे रेडियन, इसका एसआई यूनिट स्टे रेडियन, तो फोर पाई स्टे रेडियन। मैं इसको समझाया एलेवेंथ के लेक्चर में, इस सबको हम लोग देखे थे इसको किस तरह से, तो दिखा देते, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, लेकिन आपको यह फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि टोटल क्लोज सरफेस के अराउंड क्या होगा, टोटल सॉलिड एंगल लिखने का तरीका ये होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, फोर पाई स्टे रेडियन, फोर पाई स्टे रेडियन। तो इस सारे चीज़ को देखो सामान्य भाषा में क्या बोले कि एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। एरिया एलिमेंट को डी ए वेक्टर डी ए से लिखना सिखाए, तो हमने दिखाया क्या कि एक छोटे से एरिया और एरिया एलिमेंट के कारण क्या होगा, जिस किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वह सॉलिड एंगल कहलाएगा। प्लेन एंगल का डिफिनेशन में दिया था कि लाइन सेगमेंट के कारण किसी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा दैट विल बी क्या चीज, प्लेन एंगल। तो ये चीज़ है, चला एक छोटा सा फोटो बना दिए, अब इसमें इस तरह से दिखाए हैं और यह पॉइंट दिखाए हैं, आर वेक्टर इधर इसी लाइन पर है, डी ए वेक्टर भी इसी लाइन पर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो डिग्री है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, इस
ओ पॉइंट पर इस छोटे से एरिया एलिमेंट के कारण। तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर एरिया बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डी ए बाई आर स्क्वायर। अब यह एरिया इंक्लाइंड हो गया है ना। अब सीधा सा इसका उदाहरण है, जैसे अब हम लोग खीरा का सलाद और इस एक ऐसे सीधा सीधा काटा जाता है और एक डिज़ाइन मतलब स्टाइल में इस तरह से इंक्लाइंड कर दी, तो एरिया एलिमेंट क्या हो गया उस केस में? इंक्लाइंड हो गया। और इस तरह में सिर्फ नॉर्मल, तो उसमें थीटा जीरो डिग्री का मामला बना और तिरछा वाला में थीटा का मामला बना। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया? डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन में बोला टोटल सॉलिड एंगल, तो पूरे इंटायर वॉल्यूम के सॉरी क्लोज सरफेस के कारण किसी पॉइंट पर अंदर में कितना सॉलिड एंगल बनेगा? तो 4 पाई स्टेरेडियन। ये लिखने का तरीका सिखाया, कंसेप्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं अब किसका, सॉलिड एंगल का थोड़ा सा। और तुमको ये याद हो जाना चाहिए है ना, कोई स्फीयर ले लिए, स्फीयर का रेडियस आर है, तो हम स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, उसका वैल्यू कितने के बराबर? आर स्क्वायर के बराबर। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो हम जो एरिया एलिमेंट लिए हैं उसका एरिया भी आर स्क्वायर ले लिए हैं, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 1। तो 1 स्टेरेडियन का डिफिनीशन हो गया बच्चों, कि स्फेरिकल सरफेस ले लो, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस के रेडियस आर है, तो हम लोग स्फेरिकल सरफेस पर एक एरिया का कंसिडर करेंगे जिसका एरिया का वैल्यू क्या होगा? आर स्क्वायर। तो उस एरिया एलिमेंट के कारण सेंटर पर जितना एंगल बनेगा वह 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। उसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर के आधार पर है ना, स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर चला थीटा क्या होगा? एरिया और आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा 0 डिग्री का मामला होगा। तो एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे बच्चों तो वो चीज़ ध्यान देना है। तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 स्टेरेडियन। हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं गॉस लॉ, हम उसमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और बाद में गॉस लॉ का स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म। लेकिन मैं आपको पहले भूमिका बांधा किसका, तो एरिया एलिमेंट का, दूसरा किसका बांध रहा हूँ सॉलिड एंगल का, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चौड़ा हम लोग पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी देखते रहेंगे, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात पर आएंगे। लेकिन पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर बना दूं किसका, सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट कहे कि बनाते हैं थोड़ा सा। तो देखो मेरा बच्चा, स्फीयर, अब स्फीयर का ढेर, स्फीयर के सरफेस पर ढेर सारा एरिया एलिमेंट, ए वन इसी तरह दूसरा एरिया, ए टू, ए थ्री एरिया, ए फोर और इस तरह से एन सेगमेंट्स एरिया एलिमेंट। से फुटबॉल का उदाहरण देते रहते हम बार बार, और फुटबॉल में छोटा छोटा सेगमेंट होता है ना, और एक सेगमेंट का एरिया ए वन, दूसरे का सेगमेंट का एरिया ए टू, और सब का डिस्टेंस सेंटर से बराबर बराबर होगा, तो क्या बनेगा? इस पर सॉलिड एंगल, इस पर सॉलिड एंगल, फिर है ना सॉरी इस तरह से यह सॉलिड एंगल, रुको साफ साफ थोड़ा सा बनाया जाए। देखो बच्चों फिर से यह स्फीयर, स्फीयर पर एक एरिया एलिमेंट ए वन, इसके कारण सॉलिड एंगल जो बना ओमेगा वन, दूसरे के कारण यहाँ जो एंगल बना ओमेगा टू, सेवरल एरिया एलिमेंट से बना हुआ, और यह इसका एरिया ए टू, इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, ए थ्री बना दिए बच्चों, इसका डायरेक्शन ए थ्री, ए टू सारे जगह, और यह सॉलिड एंगल ओमेगा थ्री। इसी तरह क्या होगा टोटल सॉलिड एंगल? एट ओ बाय द क्लोज्ड सरफेस ऑफ गिवन स्फीयर,
सबका रेडियस आर 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 क्या होगा, ओमेगा बराबर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू प्लस डॉट 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 ओमेगा एन, ए वन बाई आर स्क्वायर ए टू बाई आर स्क्वायर डॉट डॉट ए एन बाई आर स्क्वायर, और वन बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो मेरा बच्चा, तो ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन, यह वन बाई आर स्क्वायर ठीक से थोड़ा सा, और ये सारे सर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा टोटल मिलकर, तो फोर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर गॉन, तो फोर पाई टोटल सॉलिड एंगल अराउंड द पॉइंट इज हाउ मच, फोर पाई स्टेरेडियन, इसका यूज करोगे, ये इसका फॉर्मूला यही बोले ना कि ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन डी ओमेगा पूरे क्लोज सरफेस के लिए डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर फोर पाई स्टेरेडियन, यूनिट स्टेरेडियन इसका यूज करेंगे बार बार, एरिया के कारण, छोटे से एरिया के कारण एक एंगल सॉलिड एंगल, फिर दूसरे के कारण, और सब को जोड़ दिए तो हम लोग को इस तरह सॉलिड एंगल निकालना सीख गए। और भी केसेस सिखाते हैं हम लोग, सवाल के क्रम में आएंगे तो और सिखाएंगे इसकी बात को, तो इतना सीख लिए, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बना थोड़ा सा भी, है ना। अब चला तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बड़ा आसान, तो हम लिख दे थर्ड पॉइंट इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हैविंग due to a point charge having charge plus q at O is given as E vector बराबर q by 4 pi epsilon 0 r square along OP vector, here OP vector बराबर r vector, इसी को लिखना सीखे थे बच्चे टू आर वेक्टर, और इसको तोड़ के लिखना सिखाए थे हम, और अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है X, Y, Z और O ओरिजिन पर है 0, 0, 0, जोड़ देना है उसी में, तो हेयर R वेक्टर बराबर I इंटू X प्लस J इंटू Y प्लस K इंटू Z एंड R मैग्नीट्यूड बराबर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर का पावर 1/2 रूट अंडर। तो इस तरह से हम लोग E वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, q बाई फोर पाई इप्साइलन जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और q है तो होल का पावर 3/2 आई इंटू क्या r के जगह i इंटू एक्स प्लस j इंटू वाई प्लस k इंटू जेड, इस तरह से, मतलब इसका तीन कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट कितना होगा q इंटू एक्स बाई फोर पाई इप्साइलन जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का पावर 3/2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना भाई, r बराबर ई दिस मच 1/2 है ना, तो r q बराबर ठीक है ई एक्स, सिमिलरली ई वाई बराबर क्यू वाई वाई फोर पाई इप्साइलन जीरो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले भी बता रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, समझ लो रिवाइज हो रहा है, एंड उसके बाद ई जेड बराबर क्यू इंटू जेड बाई फोर पाई इप्साइलन जीरो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का पावर 3/2 है ना। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। वो जो सॉलिड एंगल था उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन यूनिट स्टे रेडियन। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब पढ़ा हुआ है, फोर्स बाई चार्ज MLT-3 A इनवर्स। फोर्स का MLT-2 और चार्ज का AT हो गया, तो इतना हो MLT-3 A-। इतना समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, पहले से एरिया एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी जान गए। अब हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गॉस लॉ के लिए, वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उसी का कंसेप्ट बनाना है, उस पर रुकना है थोड़ा सा, और गॉस लॉ का स्टेटमेंट दे देना है, उसके बाद उसको हम लोग वेरीफाइड कर लेंगे, थ्योरेटिकल वेरीफिकेशन ऑफ कूलम गॉस थ्योरम। तो तीन टर्म समझ गए हम लोग, अब चौथे टर्म पर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स का मीनिंग होता है चलो फ्लो। अब किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो वह क्या है, इनवर्ड फ्लक्स हो गया, उसमें पॉजिटिव माना जाएगा। और पानी वहाँ से क्या होगा, उस बर्तन से बाहर निकल रहा है किसी टेप से, चाहे कहीं से होल बना दिए हैं, और जितना लिक्विड भर रहे हो पर सेकेंड, पर वॉल्यूम पर सेकेंड है ना, और उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड इजेक्ट होता है, तो नेट फ्लक्स वहाँ पर फ्लूइड के फ्लो के केस में 0 बोला जाएगा। तो फ्लूइड गैसेस गैसियस प्लस लिक्विड स्टेट की बात करें, गैस और लिक्विड का फ्लो का केस में भी फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करनी है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला बात किए, दोनों एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बच्चों। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पहले से रटा हुआ है बहुत सारा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बच्चों, कि लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, कहीं किसी पॉइंट चार्ज से 10 फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है तो प्लस चार्ज है, और उसी पॉइंट दूसरे जगह दूसरा पॉइंट चार्ज है वहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहा है 20 फील्ड लाइंस, तो वो भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पहले वाला चार्ज अगर Q है तो बाद वाला चार्ज 2Q होगा। इन सारे चीज का पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप, ये सब रिजल्ट रटा हुआ है। जहाँ पर फील्ड लाइंस क्राउडेड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जहाँ पर फील्ड लाइंस एब्सेंट हो जाएगा, जैसे कंडक्टर के अंदर में, कंडक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोग का है ना, गॉस लॉ पढ़ने के बाद है ना, उससे ढेर सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट सब निकलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0, देयर इज नो फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर। तो इन सारे चीज़ों का कंसेप्ट यहाँ पर आना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेज़र करेगा कि किसी एरिया से कितना फील्ड लाइंस क्या हो रहा है पास कर रहा है, उसको मापने वाले स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता जुलता हुआ टर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ई वेक्टर को बी वेक्टर के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई वेक्टर लिखना सीखे और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी वेक्टर लिखना सीखेंगे। तो ये सारा चीज़ को आप दिमाग में रखते रहें। अब हम लोग थोड़ा डिफिनेशन दे के और उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वो दिखा देते हैं। तो फोर्थ पॉइंट पर आ गए हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डी फाई लिखे छोटे एरिया के क्रॉस, डेल फाई बहुत टेंस टू बहुत छोटा एरिया ले ले टेंस टू 0 वाला, तो यह डेल फाई, और क्या बड़े एरिया के क्रॉस फाई की बात करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया के लिए डिफाइंड होगा और किससे लिंक्ड होगा, किससे एसोसिएटेड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इज दैट स्केलर क्वांटिटी विच इज मीजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सिंपली फील्ड लाइन्स बोलते तो भी चलेगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास थ्रू एनी एरिया एलिमेंट और एरिया. अब यहाँ देखो, यह किसी जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है तो हम बोलेंगे क्या चीज़ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा हो. तीन फैक्टर पर निर्भर करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर और कितना बड़ा एरिया है. अब जैसे पानी की बात करें तो पानी वाला ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाला ट्यूब होगा तो ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा तो वो ज़्यादा होगा. तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और चला फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. तो इस तरह की बातों को ध्यान देना है और हम उसको मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में क्या करते हैं देने. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज कैलकुलेटेड बाई स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एंड एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर. That is, electric flux across the area element dA vector is given as is given as d phi बराबर e dot d a. across area element d a vector is given as d phi बराबर e dot d a e d a cos theta. ये क्या बोल गया भाई, यह एरिया का डायरेक्शन, ये छोटा सा एरिया लिए जिसका डी ए वेक्टर एन कैप एरिया के सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें. इस तरह से पैरेलल दिखा रहे हैं इसके तल में है क्या, यह ई वेक्टर है बच्चों और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और डी ए इसके तल पर क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है. तो डी फाई बराबर ई डी ए सॉरी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E vector and dA vector. Total electric flux निकालना होगा तो integrate करेंगे. Electric field uniform होगा तो electric field integration से बाहर आ जाएगा. तो total electric flux phi बराबर E dot dA, पूरे surface के लिए, closed surface के लिए बात करें तो E dot dA वाला बात करेंगे. इस तरह से बात करें क्लोज सरफेस के लिए.
टोटल फ्लक्स बराबर इतना, सरफेस इंटरगल ई डॉट डी ए वाला बात। अब इतनी बात जान गए, यह स्केलर प्रोडक्ट है, स्पेशल केस जानते हो बच्चों, तीन केस। डॉट प्रोडक्ट में स्पेशल जनरली बोलते हैं थीटा बराबर जीरो डिग्री, डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। जीरो से 90 के बीच में डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, और फिर 90 डिग्री हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो, और 90 से 180 के बीच में डॉट प्रोडक्ट विल बी निगेटिव। वर्क डन, ये सब सारे केस में पढ़े हुए हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी, तो थीटा जब 0 से 90 के बीच का मामला होगा तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स क्या है, एरिया तो आउटवर्ड है ही, फील्ड लाइंस भी क्या हो जाए, बाहर की ओर ही हो, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। और तो जब फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और जब फील्ड लाइंस अंदर आ रहा है, एरिया के अंदर जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल, एरिया के बीच का एंगल, और वहाँ पर फ्लक्स विल बी क्या चीज़ टेकन एज निगेटिव। और जब 90 डिग्री का मामला होगा तो डॉट प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट केस 90 डिग्री का ही मामला होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए मेरा बच्चा, तो स्केलर प्रोडक्ट विल बी जीरो, तो फ्लक्स विल बी जीरो व्हेन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एरिया में बता रहा था क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो पूरे में आपको क्या करना है मेरा बच्चा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करना है, है ना। तो इसको देख, जनरल जैसे वर्क डन को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह जनरली स्केल, जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ एरिया बोलते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यूनिट और डायमेंशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब इसका है इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट है, इट इज़ स्केलर, वह हम पहले बताए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दैट स्केलर, तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। मेरा बच्चा इट्स यूनिट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया क्या मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, और न्यूटन इनटू मीटर को जूल बोलते हो, तो इसको और दूसरा यूनिट क्या बोल सकते हो यार, है ना, जूल मीटर कूलम इनवर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताए वोल्ट पर मीटर, और इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर। ये सब याद रखना है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, पहले तो जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस तरह वर्क, किसी से सिंपल भाषा में पूछे, है ना, कि वर्क का डिफरेंट फार्मूला बताओ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेस, उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, लेकिन उसमें छुपा हुआ है कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, या डी ए वेक्टर बोले जाए, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। अब इसका डायमेंशन लिख लो,
कहीं से भी लिखा जा सकता है, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फोर्स बाई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग रटे हुए हैं MLT-3A इनवर्स, और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो L² तो कितना हो गया ML3T-3A-1। तो इलेक्ट्रिक डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बता दिया गया। अभी और सारी बात करते हैं, जैसे एक फार्मूला था d∅ = E·dA। अगर E वेक्टर को IJ के में लिखते हो I·EX + J·EY + K·EZ, और एरिया को क्या लिखोगे बच्चों I·DAX · J·DAY + K·DAZ, तो DAZ इसको हम एरिया एलिमेंट एरिया निकालना सिखाया है जेके के टर्म में, वेक्टर के केस में। मेरा बच्चा क्या होगा EX · DAX · EY · DAY · EZ · DAZ, और अगर टोटल फ्लक्स निकालना रहे तो हम लोग इसको क्या करेंगे इंटेग्रेट करेंगे लिमिट के हिसाब से। तो ये अलग चीज़, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों का कंसेप्ट बनाएंगे आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे इस फिगर में, मैं थोड़ा सा बोल रहा था क्या बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन में, तो अगर ऐसा होगा तो हम जो बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगा सारा। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में होने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेन में होने का मतलब एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया नॉर्मली आउटवर्ड, थीटा 90 डिग्री, और उस केस में फ्लक्स बिल भी क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो वो नहीं है, वहाँ पर ई वेक्टर और ए वेक्टर, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या है थीटा है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्क के प्लेन में नहीं है, उस एरिया एलिमेंट के प्लेन में नहीं, प्लेन में रहेगा। अभी हम स्पेशल केस में वही लिखाने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं तीन स्पेशल केस जनरली हम बताते हैं तो उसकी बात करते चले। और इस तरह का ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, जैसे एक बार फिर से मैं बोलूँ डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज करो, वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज कर लो, फिर से इस तरह का चीज़ को उसमें वर्क एनर्जी पावर की सहायता से इसमें भी हम लोग कर लेंगे। यूनिट डायमेंशन पहले से ही सर ने बच्चे को आ रखा है, आता है, इस सब को तैयारी रखते हो रहो, कहीं भी किसी भी परीक्षा में इस तरह का चीज़ सब पूछते रहेगा, डायमेंशन और यूनिट स्केलर है कि वेक्टर है कौन की, तो इस तरह से बात करें। आगे देखो फिर स्पेशल केस बताने जा रहे बच्चों, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द सरफेस, इस तरह का फिगर बना दे, यह ई वेक्टर है और डी ए वेक्टर इस तल पर भी क्या हो, तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ही मान लिया जाए इसका डायरेक्शन, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, और सरफेस का डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन भी क्या होगा सरफेस के नॉर्मल होगा। तो क्या होगा हेयर एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड, अगर डी ए वेक्टर लिखे तो ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज 0 डिग्री, देन फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द गिवन एरिया एलिमेंट, d∅ = E·dA,
ई डॉट नहीं ई इन टू डी ए मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और तो थीटा जीरो डिग्री का मामला हो गया, कॉस जीरो कितना हुआ, एक तो ये देखा दिया। और दूसरा बताने जा रहे हैं बच्चों क्या, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दी कैचिस एरिया वेक्टर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइज इन दी प्लेन ऑफ कैचिस एरिया, तो प्लेन ऑफ एरिया, एरिया का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के टेंजेंशियली है, मतलब ग्रेजिंग दी सरफेस है, ग्रेजिंग दी सरफेस मतलब सरफेस को टच करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया डायरेक्शन नॉर्मल ही आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स विल बी जीरो, फ्लक्स विल बी जीरो, इस तरह की बात करेंगे। अब मान लो जैसे फील्ड लाइन सही से जा रहा है और एरिया सीधा नॉर्मल ले रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्लक्स होगा, एरिया को हम लोग क्या कर जाए, घुमाते जाए, और एरिया इस तरह हो जाए जो इसके फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में हो जाए, तो एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्मली आउटवर्ड इस तरह और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, थीटा 90 डिग्री। फ्लूइड का फ्लो का बात करेंगे तो इस तरह से अगर क्रॉस सेक्शन है और फील्ड फ्लो का डायरेक्शन इधर है तो ज़्यादा फ्लूइड फ्लो करेगा, और जैसे जैसे एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको घुमाते चले जाएँ और जब फ्लो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो जाए एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का सरफेस डायरेक्शन नहीं बोल रहे, तो उस केस में दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, फ्लो ऑफ मतलब फ्लक्स ऑफ फ्लूइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखना है। अब दूसरा केस बना दो, यह थीटा जीरो डिग्री का मामला बना है ना, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी जी। दूसरा केस में इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द सरफेस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजेस द सरफेस, ग्रेजेस द सरफेस। बोले पहला फिगर में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो गया था, वो चीज़ को दिमाग में रखना है, और ये चीज़ हो गया इसके तल में है ई वेक्टर, और एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, हेयर एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज 90 डिग्री, देयरफॉर डी फाई बराबर जीरो। और सिंपल केस क्या बोले, जीरो से 90 के बीच में फ्लक्स पॉजिटिव होगा और 90 से 180 के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इस तरह की बात को दिमाग में रखना है। इसमें इफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डिग्री लेस देन 90 डिग्री देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। दूसरा इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, हर जगह डॉट प्रोडक्ट में यही चीज आएगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी निगेटिव। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोला थीटा 90 डिग्री के केस में, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। अगर फील्ड लाइन्स अंदर आएगा तो फ्लक्स विल बी निगेटिव, एरिया बाहर की ओर और फील्ड लाइन्स अंदर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है ना, और अगर फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है एरिया भी बाहर की ओर तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। तो इफ फील्ड लाइंस इंटर्ड थ्रू द सरफेस देन फ्लक्स विल बी निगेटिव, और इफ फील्ड लाइन्स
outgoing through the surface. Surface, then flux will be positive. Outgoing field lines तो flux positive ही, incoming field lines तो flux will be negative. तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर बात करना है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिभाषा जाने, डिफिनेशन जाने. अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कैसे निकालते हैं उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ. और मेन तो अपने लोग को है गॉस लॉ जानना, गॉस थ्योरम बोले या गॉस लॉ बोले, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आधार पर ले चलेंगे. लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो चार सा छोटा छोटा सवाल बना लेते हैं. इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो डी सीधे फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा बोलते हैं, जहां थीटा ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होगा. अब चलो दो सवाल उसके आधार पर मैं दे रहा हूं. छोटा सवाल है एकदम. तो सरफेस ऑफ एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड, एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले हैं ई वेक्टर बराबर 2×10⁴ वोल्ट पर मीटर, एंड फील्ड ई वेक्टर इज मेकिंग एंगल 30° विद दिस सरफेस. सरफेस के साथ एंगल बना रहे हैं, सरफेस के नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ यही चीज़ समझना है. तो एरिया वेक्टर के साथ या सरफेस के नॉर्मल के साथ एंगल 60° बनेगा. तो यहाँ 30° के आधार पर हम लोग 60° निकाले ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल. तो क्या होगा इसमें सॉल्यूशन में, सिर्फ ई दिया हुआ है मेरा बच्चा, एरिया दिया हुआ है, बीच का एंगल 30 ना लेकर क्या लेना है 60. काहे लिए सो समझ रहे हैं क्या, अगर हम लोग एरिया को दिखा रहे हैं इस तरह, यह ए वेक्टर और सरफेस के साथ ई वेक्टर जो है, यह सरफेस का बात है, सरफेस के साथ ई वेक्टर जो है 30° एंगल बना रहा है, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल यह 30° है. तो ई और ए वेक्टर जिसको थीटा लिखते हैं, थीटा बराबर 60, बस इतना ही समझना है. तो हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई के जगह बच्चों 2×10⁴, ए के जगह बच्चों 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 500 और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू क्या कॉस 60° थीटा बराबर क्या चीज़, कॉस 60 बराबर 1/2, पहले लिख दे कॉस 60° 1/2, या क्या होगा 10⁴, 10⁻⁴ कैंसिल, तो 1000 into cos 60 1/2, और इसका यूनिट वोल्ट इंटू मीटर पर हुआ है, जो भी हो और भी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स में ले जाएं, जूल वाला में भी ले जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा चलो बच्चों 500 वोल्ट मीटर. तो इस तरह की चीज़ों को समझें कि थीटा यहाँ पर 30° ना दिया हुआ है, इस 30° के आधार पर थीटा क्या निकाले, 60° निकाले. अब दूसरा है, अब क्या है इसका सॉल्यूशन में, पहला पार्ट एरिया का मैग्नीट्यूड 50 m² इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. फिर उसमें देखो यह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स वाई जेड किसी का फंक्शन नहीं है, है ना. इनफॉर्म बोले थे टाइम के टर्म में भी, तो और किसके, अगर टाइम से पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो तो इस तरह से बात करते हैं. तो क्या होगा, फ्लक्स बराबर ई डॉट ए लिखेंगे, इनफॉर्म वाला में डायरेक्ट इस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, नॉन इनफॉर्म फील्ड रहता है तो डी फाई लगाते हैं और तब इंटेग्रिटी सब क्या ई डॉट ए कितना होगा. ई के जगह फर्स्ट पार्ट में सवाल, यह ई वेक्टर दिया हुआ है चला 2y+3j और प्लस क्या चीज़ k,
वोल्ट इंटू मीटर यूनिट को मन में रखें। एरिया वेक्टर क्या होगा, तो 50, फिर इसको माथे में रखा है मीटर स्क्वायर, और एक्स वाई प्लेन में है सरफेस, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो के में होगा, तो इसको क्या लिखोगे, के कैप लिखेंगे, जेड एक्सिस क्या लॉन्ग होगा, एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा नॉर्मली आउटवर्ड, तो क्या लिखोगे बच्चों, अब इसका रिजल्ट बताओ, है ना, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट के बराबर जीरो, जे डॉट के बराबर जीरो, तो के डॉट के बराबर वन, ये पहले आता है सारे बच्चे को, डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर में हम लोग वन पढ़े थे और डिसिमिलर में जीरो, सिमिलर बोले तो आई डॉट आई बराबर वन, जे डॉट जे बराबर वन, के डॉट के बराबर वन, और डिसिमिलर बोले तो आई डॉट जे बराबर 90 डिग्री का केस हो जाएगा वो आई और जे वाला, तो आई डॉट जे बराबर जीरो, जे डॉट के बराबर जीरो, के डॉट आई बराबर जीरो, तो समझने का कोशिश करें तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा डिफरेंट पर लेके चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं और एक दो सवाल इस पर और बात करते हैं। सवाल का एक ही पार्ट हुआ पहला, दूसरा सवाल इसी तरह से बना देंगे ना, इसका क्या लिखोगे, फाइव बराबर ई डॉट ए, ई तो वही है, ई क्या होगा 2i प्लस 3j प्लस k, और एरिया के जगह क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, हाउ मच 50 मीटर स्क्वायर, तो 50, अब डायरेक्शन क्या है, एक्स जेड है, तो जे के डायरेक्शन में होगा, जे कैप एक्स और जेड पर परपेंडिकुलर जे कैप, तो क्या होगा बच्चा, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट जे वन, और के डॉट जे बराबर जीरो, तो 150 इंटू 3 वोल्ट इंटू मीटर, ये होगा, तो दोनों पार्ट सब। फिर से दो प्रॉब्लम मैं लिख दिया हूँ और इसको देखो, कहता है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अभी इस स्क्वायर का एरिया किधर होगा, आउटवर्ड, और इसके तल में कहीं पर भी फील्ड निकाले किसी भी पॉइंट पर, तो फील्ड का डायरेक्शन इसी पर इधर, फिर इधर, इसी तल में होगा फील्ड, तो फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज के सॉल्यूशन में कुछ नहीं लिखना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सरफेस, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्क्वायर जस्ट ग्रेजेस द सरफेस, जस्ट ग्रेजेस द सरफेस एंड एरिया इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, इसलिए फ्लक्स बराबर क्या होगा जीरो। बच्चों फील्ड इसी में होगा, इस तल में होगा, जस्ट ग्रेजेस द सरफेस वाला बात बोले, और एरिया इस पर नॉर्मल होगा, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर हर पॉइंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फ्लक्स विल भी क्या चीज़ जीरो होगा हर जगह इस सर स्क्वायर के सरफेस पर। अब दूसरा में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू थ्रू द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इफ द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट डिस्टेंस एक्स। तुमको सारे बच्चे को आइडिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग क्यू एक्स बाई 4π ε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2। ये रिजल्ट लिखाए हैं, सवालों में कई बार यूज कर चुके हैं, आगे भी फिर करेंगे, अभी करने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस आर है, इस सर्कुलर रीजन को हम लोग बहुत सारे क्या है कॉन्सेंट्रिक रिंग वाला रीजन में बांट सकते हैं, ये हो गया एक रीजन,
यह इसका एक्स एक्सिस है, कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। यहाँ पर चार्ज क्या रखे हैं, प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू। अब बच्चों इस पॉइंट पर सोचो, इस रिंग के हर पॉइंट पर सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और एरिया जो होगा एक्स इस तरह का क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और एरिया का डायरेक्शन जो ये छोटा सा एरिया बनाएगा, उस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। तो इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा इस तरह, और इसके बीच का एंगल क्या ले लेंगे, थीटा। या थीटा ई भी क्या होगा, थीटा। या हॉरिजॉन्टल लाइन एरिया पर क्या चीज़, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस इसको मिलाने वाली रेखा पर उसी लाइन पर क्या हो गया, आगे बढ़ेगा। तो इस छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स क्या होगा, एरिया भी उसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरह से उसी, मतलब आउटवर्ड ही है, तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। तो छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स क्या हो गया, डी फाई बराबर, लिटरेचर नहीं लिख रहे, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई के जगह क्या लिखोगे बच्चों, इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये डिस्टेंस क्या, इसका रेडियस क्या ले ले आर, इसकी थिकनेस क्या ले ले डी आर, आर आर डी आर। थोड़ा सा दिमाग लगा, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर यह डिस्टेंस कितना होगा गुरु, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिंग वाले का एरिया कितना होगा, टू पाई आर डी आर बस, या डी ए। और बीच का एंगल क्या चीज़, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज हाउ मच, दिस अपॉन दिस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ रहे हो, ई का फॉर्मूला लिखे पॉइंट चार्ज के कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एरिया छोटा डी ए टू पाई आर डी आर, और फिर दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो कॉस थीटा बराबर दिस बाई दिस, बेस बाई हाइपोटेनियस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आर का वैल्यू जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, रेडियस पूरे रीजन का कितना है, सर्कुलर रीजन का आर है। तो जीरो से आर तक इंटीग्रेशन, इस तरह का इंटीग्रेशन पहले भी किया गया हुआ है। तो डी फाई बराबर क्यू एक्स बाई हाउ मच, आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर थ्री बाई टू, टू पाई कैंसिल भी कर सकते हैं, तो टू इप्साइलन जीरो इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर रीजन फाइव बराबर क्यू एक्स बाई ट्वाइस इप्साइलन जीरो इंटीग्रेशन आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर थ्री बाई टू जीरो से कैपिटल आर तक, ये चीज़। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, लिख ले कर दे, अब इसको इंटीग्रेट कर ले। तो इंटीग्रेट करने के लिए जगह थोड़ा सा बना ले हम लोग, समय मिल गया। चलो बच्चों आगे देखो, तो अलग से उसको इंटीग्रेट करें, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू आर डी आर, इसका एक्स का तो फिक्स्ड वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो,
टी स्क्वायर तो टू टी डी टी, आर डी आर टी टी डी टी ई, और इसका वैल्यू पुट करें। अब इवेलुएट करना है मेरे बच्चे, आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2। लिखते चले, पूरा लिखते चले। नाउ फाइव बराबर क्यू एक्स बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो और जीरो से कैपिटल आर तक, इसको पुट करें, इस सब सब्स्टिट्यूशन करें इसमें, क्यू एक्स बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो आर डी आर की जगह टी डी टी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, तो टी क्यू बचेगा नीचे, और टी का वैल्यू जब r बराबर जीरो स्मॉल r बराबर जीरो ले लेंगे तो t का वैल्यू x के बराबर, और जब r बराबर r ले लेंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R तो t का वैल्यू होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ ध्यान देना है, क्यू एक्स बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो या t का पावर माइनस टू बचेगा, और माइन इंटू डी टी, उसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टी, लोअर लिमिट एक्स अपर लिमिट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो या माइनस में है तो एक्चुअली लिखा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन यह माइनस है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो क्या कर दें, लोअर लिमिट तो वही एक्स लिखा है, माइनस चला है इसी में, नहीं मन करे तो पहले इसी को क्या करे पुट करे यार, तब तो क्या होगा यार, वन बाई एक्स माइनस वन बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्स को अंदर ले जाए, क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो वन माइनस एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह आर बराबर सॉरी फाइव बराबर निकल कर आया। इस तरह से इसको, और एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एंगल मान लो, कुछ एंगल बना रहे अल्फा, कुछ वैल्यू दिया रहे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यह बेस बाई क्या चीज़ हाइपोटेनियस, यह डिस्टेंस क्या होगा, यह पूरा आर होगा, यह एक्स होगा, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग फाइव बराबर क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो वन माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हो, यह पूरा एंगल क्या बना रहा है एक्सिस के साथ, यह अल्फा इधर भी और अल्फा इधर भी, तो यह अल्फा वाला एंगल ले, तो उसके फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला। तो इस तरह का सवाल, अब देखो गॉस लॉ पर अभी पहुँचे नहीं, गॉस लॉ तो एक लाइन का स्टेटमेंट होगा, उसको डिराइव कर देंगे अगले लेक्चर में, उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होगा कि एप्लीकेशन की सहायता से, गॉस लॉ की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, कूलम्स लॉ के लिए भी निकाले, तो कूलम्स लॉ में सब केस के लिए वह कूलम्स लॉ लागू होता है, लेकिन गॉस लॉ के लिए एक फिक्स्ड है ना प्रॉपर्टीज़, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होगा उसी के लिए क्या होगा साइमेट्रिक वाले केस में लागू होगा, ये वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा तब लागू करेंगे, गॉस लॉ का बात करेंगे, तो गॉस लॉ अगले लेक्चर का बात हो गया, इस लेक्चर में नहीं हो पाया, अभी अगले लेक्चर में फिर मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही, उसी से रिलेटेड दो चार छोटा मोटा सवाल बनाते हुए क्या करेंगे, छोटा और मोटा बोले मतलब थोड़ा छोटा भी और बड़ा सवाल भी एक्सटेंड, तो उसको लेकर बढ़ेंगे और गॉस लॉ की बात करेंगे, ये सब थोड़ा सवाल टिपिकल डॉट प्रोडक्ट और एरिया भैक्ट हमने आपको। अब जो है गॉस लॉ का स्टार्टिंग किए और गॉस लॉ पर पहुँचे नहीं हैं अभी तक, लेकिन चार गो पॉइंट मैं समझाया, सबसे पहले स्टार्टिंग किया तो एरिया एलिमेंट और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, उसके आधार पर एरिया निकालना सिखाए, एरिया दिया रहेगा तो ठीक ही है, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग एरिया को आई जे के में लिखना सीखे, और दूसरा क्या है सॉलिड एंगल समझाएँ बच्चों है ना, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डी ए के जगह बहुत सारी किताब में डी एस लिखा रहता है एरिया के लिए है ना, लेकिन हम लोग डी एस डिस्टेंस ही सब के लिए लिखते आ रहे हैं काइनेमेटिक्स सबसे, लेकिन जो भी लिया आएगा वो तो मानने के ऊपर है, जो क्या मान रहे हैं आप,
तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला छोटे एरिया के लिए डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बताए, टोटल सॉलिड एंगल अराउंड ए क्लोज है ना, क्लोज सरफेस के कारण, टोटल क्लोज सरफेस के कारण उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल 4π/radian समझाए। और थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के केस में सिर्फ बताया, आई जे के कंपोनेंट में भी मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट के रूप में भी बताया। और चौथा टर्म बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समान तौर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड गुने एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, लेकिन छुपा हुआ है उसमें कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। तो स्टेटमेंट सिर्फ मैं बोल देता हूँ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, और गॉस लॉ कभी भी क्लोज सरफेस के लिए लागू होगा है ना, ऐसा क्लोज सरफेस नहीं भी क्लोज सरफेस होगा तो इमेजिन करेंगे, और वह उसमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होगा और वह गॉस लॉ को फॉलो करेगा तो उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे, क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा लागू होगा। और उसका स्टेटमेंट सिर्फ मैं बोलता हूँ, आप अगले क्लास में पढ़ के, अगले लेक्चर में पढ़ के रहेंगे तो हम आपको क्या करेंगे उसको रिपीट करेंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो गॉस लॉ में जो गॉस फ्लक्स की बात करोगे उसमें सिर्फ किसी क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है नेट चार्ज उसके कारण बात करेंगे है ना। तो फ्लक्स बराबर Q नेट इनसाइड दी सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ सिखाएंगे है ना। तो किसी क्लोज सरफेस में 5 डायपोल का रख दो तो नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा, तो क्यू नेट क्या हो गया 0 हो गया इनसाइड दी क्लोज, तो फ्लक्स विल भी 0 लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स 0 होते हुए भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फ्लक्स मस्ट भी 0, लेकिन फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या नहीं, ये सब छोटा छोटा टिपिकल पॉइंट होगा, अगले लेक्चर का होगा। और मेन पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है ना, तो गॉस लॉ को पढ़ना है अगले क्लास लेक्चर में, लेकिन इस सारी चीज़ को रिवाइज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्या चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट को है ना, मेनली डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ा हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में, तो इतनी बात है। और यूनिट डायमेंशन तो क्लासिकल चीज़ है, उसको आप रिवाइज करते रहिए, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन सब पूछा जाता है यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड। और कौन क्वांटिटी का आज के लेक्चर में एरिया एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी बताया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया वेक्टर क्वांटिटी पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ऑब्टेंड बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते रहना है या दिमाग में रहेगा बैठा हुआ है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहा, और पिछले लेक्चर में जो प्रॉब्लम सब बताया था कहीं कहीं पर आर नीचे में छूट गया कुछ हो गया वो सब आपका करना है, आपको करना है, वो ड्यूटी आपकी है, कंसेप्ट आपको मिल गया और सवाल सब बनाते रहिए, और भी तरीका और भी सवाल सब सिखाएंगे हम आपको। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक वो पूरे मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह की बात आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स वाली बात आएगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सब पढ़ाएंगे है ना, वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो सब मिलता जुलता होगा, सब में डेरिवेशन का तरीका एक ही होगा, कैलकुलस आना है, एक वेक्टर आना चाहिए, रिवाइज करते रहिए। और मैं बोलूँगा कि अपने साथियों से क्या करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे सब, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहेंगे और सबको मैसेज देते रहे कि क्या है पढ़ो साथ में, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सर भी क्लास ले रहे हैं, सब अपना लिंक्ड होते रहिए, जुड़ते रहिए जितना हो सके। और तो आज का लेक्चर यहीं तक रखें, आप स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें घर पर।